और मैं काकू सही भाभी ए थाम गई तो दहाड़ गई थी शेरनी की तरह और अब चोया जैसे दुबक के वापस क्यों आई है सही तो आलिस बाड़ा कैसे रहा तुम्हारा खाना आई मैंने लंच नहीं किया मस्त मस्त हम सबसे झगड़ा करके अपने पति की बेइज्जती करके बोलकर गई थी ना कि प्रोफेसर के घर पर जा रही हूँ लंच के लिए और अब क्या कह रही है मैंने खाना नहीं खाया है क्या हुआ सही तुम ठीक तो हो ना बस वो थोड़ा अश्विनी बस हो गया अपनी बहू की तरफदारी करना बहुत हो गया बस करो अब निनाद बहू है वो हमारी बाहर से आई है पूछ तो लेने दीजिए ना कैसी है सब ठीक रहा ना लगता है बिना थप्पड़ खाए बात समझ में नहीं आएगी बाबा आपकी हिम्मत कैसे हुई आई से सबके सामने ऐसे बदतमीजी से बात करने की ए, मेरी और मेरी बीवी की आपस की बात है ये बीच में बोलने का कोई हक नहीं है जब विराट सर मुझ पर चिल्ला रहे थे आज तब सब लोग अपनी अपनी विशेष टिप्पणी दे रहे थे मतलब वो हमारा पति पत्नी का पर्सनल मैटर नहीं था लेकिन अब जब आप आई की ऐसी बेइज्जती कर रहे तब वो आपका पर्सनल मैटर हो गया ए लड़की तुम निनाद दादा के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती समझी अगर ए इतनी बार समझाने के बाद ना जानवर भी समझ जाता है लेकिन तुम नहीं समझती तुम में जरा सी भी अकल ब्रेन बुद्धि नहीं है क्या अरे तू किससे बात कर रही है अपने ससुर से बात कर रही है या अपने कॉलेज के किसी दोस्त से बात कर रही है हां सोनाली दीवार पर सर मारने से दीवार का कुछ नहीं बिगड़ता अपना ही सर फूटता है लेकिन वैनी इसको इसकी हद तो मालूम होनी चाहिए अरे इसे इसकी हद बताने वाला कोई है ही नहीं ना तो इसे कैसे पता चलेगा कि इसकी मर्यादा की लकीर कहाँ है और ये वो लकीर कब पार कर गई सही छोड़ो ना बस मुझे बताओ तुमने खाना क्यों नहीं खाया अश्विनी अपनी बहू को सर पर चढ़ाना बंद कर दे इस लड़की की गलतियों पर शाबाशी दे दे के इसने इस घर का सुख चैन सब लूट लिया बाबा आप जाने दो ना सही छोड़ो सही बोलता है विराट एहसान फरामोश है ये लड़की अरे तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए चव्हाण परिवार का बिना हमारी मदद के और सहारे के डॉक्टर बनना तो दूर तू डॉक्टर बनने का सोच भी नहीं सकती थी काकू आपकी याददाश्त काफी कमजोर है भूल गई आप जब मैं कॉलेज जाना चाह रही थी तब आपने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया ये बोलकर कि ये चव्हाण परिवार के नियमों के खिलाफ है तो मेरी पढ़ाई का श्रेय आप तो बिल्कुल ही नहीं ले सकती इस चव्हाण परिवार में ना ही मुझे किसी ने पढ़ाई में सपोर्ट किया और ना ही मेरी मदद की और जहां तक रही पैसों की बात तो उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगी कुछ ही दिनों में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे फिर मैं इस घर में रहने का और खाने का भी पैसा आपको दे दूंगी और विराट सर ने मुझ पर जो भी खर्चा किया है वो मैंने उधार लिया है उनसे जो मैं उन्हें सूद समेत लौटा दूंगी क्या हो गया इस घर में आज सुबह से जो एक झगड़ा चल रहा था वो खत्म ही नहीं हो रहा है थोड़ी देर के लिए शांति थी इस घर में और सही कहते फिर चली गई बड़ी मामी आप प्लीज मुझे मेरे मायके जाने की इजाजत दे दीजिए क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले से ही एक तूफान चल रहा है और ऊपर से रोज रोज ये सब तमाशा झेलना मेरे बस से बाहर होता जा रहा है मैं दो मिनट में चैन से नहीं बैठ पाती इस घर में और सही की ऊपर तक आवाज आ रही थी पाखी दीदी आपको सिर्फ मेरी आवाज आ रही थी बाकी सब बात कर रहे थे उनकी आवाज नहीं आ रही थी सही
तो अपने कमरे में जा। हर बार झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। उषा मौसी, आपको लगता है कि सही में इतनी समझदारी है कि वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाएगी? और सही, तुम आवाज तो सबकी आ रही थी, लेकिन सबकी ऊंची आवाज का कारण सिर्फ एक ही है और वो हो तुम। सिर्फ तुम्हारी वजह से इस घर का संडे बर्बाद हो गया है। बर्बाद? बर्बाद कहां पाकी दीदी, बल्कि आज तो सबने अपना संडे एंजॉय किया है। देखा नहीं आपने, जब विराट सर मुझे सुना रहे थे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा तो सब उनकी वाहवाही कर रहे थे कि वाह, आज उनके बेटे ने क्या काम किया है, पहली बार अपनी बीवी के साथ पतियों वाला सलूक किया है। सही, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोले जा रही हो, और अगर तुम्हें याद नहीं है ना तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि मैंने ही विराट को तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि विराट गलत था। पत्र लिखा, वैसे विराट से सही का हाथ मैंने छुड़वाया था। अब बस तुम एक काम करो, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। सबके हजार बार मना करने पर भी तुम तैयार होकर अपने प्रोफेसर के यहाँ लंच के लिए गई थी, और जहां तक मुझे याद है तुम्हारे प्रोफेसर ने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया था। तुम लंच करने गई थी ना? सही, बस बहस करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना ही बता दो बेटा, तुम्हें भूख लगी है ना? पत्र लेखा भाभी, आपको सही भाभी की चाल नहीं समझ आई? अरे लंच पर जाना तो सिर्फ एक बहाना था, ये तो घर के सारे काम से बचना चाहती थी ताकि घर का सारा काम आपको और मुझे करना पड़े। अब इनको भूख लगी तो ये महारानी की तरह आ गई खाना खाने। फास्ट सही भाभी, क्या प्लान बनाया आपने? और तुम हमेशा ये जो डींगे हाँकती रहती हो, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज कैसे झूठ बोल दिया तुमने कि मैं प्रोफेसर के घर खाने पे जा रही हूँ? सच सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? मैं सच बोल रही हूँ, मैं प्रोफेसर के यहाँ ही लंच करने गई थी, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया। अरे जब खाना ही नहीं खाया तो गई क्यों थी? गई क्यों थी ये जरूरी नहीं है ओमी, जरूरी ये है कि कहाँ गई थी। जब अश्विनी ने तुझे कहा था कि विराट तुझे छोड़कर आएगा तो तूने मना कर दिया। अरे हम भी तो जाने कि ऐसी कौन सी जगह जाना था तुझे अकेले अकेले। हाँ दीजिए जवाब, आप लंच पर गई थी तो लंच पर आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे बोलना, ऐसे क्या हुआ प्रोफेसर के घर हाउस निवास में कि तू बिना खाना खाए आ गई? ये सब छोड़ दे, है कौन वो प्रोफेसर? बस बस बस, कितना सही के पीछे पड़ोगे आप लोग? सही, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेके आती हूँ। अश्विनी, तो जिसके लिए भाग भाग के खाना लाने जा रही है ना, उसी की वजह से आज घर के किसी भी सदस्य ने ढंग से खाना नहीं खाया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़ी मामी, विराट ने खाने को छुआ तक नहीं है। कैसे छुएगा, उसकी भी तो आंखें खुल गई हैं। अब आज के बाद वो इस लड़की का साथ बिल्कुल नहीं देगा। कितना बुरा लगा होगा उसे ये देखकर, उसके लाख मना करने के बावजूद ये लड़की सबसे झगड़ा करके किसी और से मिलने इस घर से बाहर चली गई। विराट को अगर बुरा लगा ना तो उसे सही को कायदे से रोक देना चाहिए था, जोर जबरदस्ती से नहीं। लेकिन कहते हैं ना, बेटा बाप पे ही जाता है। विराट ने भी वही किया जो उसने बचपन से अपने बाबा को देखा था करते हुए अपने आई के साथ। सुना सुना वही नहीं, इस लड़की के इतने झगड़े इतने ड्रामे झेलने के बाद विराट ने आज पहली बार कोई कदम उठाया था, तो इस बात के लिए यह औरत आज मुझे ही ताने दे रही है। हाँ तो आप भी एक हाथ ताना सुन लीजिए ना।
मैं भी तो ना जाने कितने ताने सुनते रहती हूँ रोज आपके, सिर्फ आपके ही नहीं आपके भाई ओमकार के भी। तो वहीनी प्लीज, आप नीनाद दादा से जो कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं, क्योंकि वो आपके पति हैं, लेकिन मेरे पति को इस सब में मत घसीटिए। मेरे पति के बारे में इस तरह से बात करने की इजाजत, परमिशन, अनुमति मैंने किसी को नहीं दी है। आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। सही की वजह से आज एक बार फिर इस घर में महाभारत छिड़ गई है। आई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ। सिर दर्द हो रहा है। सर तो हम सबका फटना चाहिए सही, क्योंकि तुम्हारी वजह से रोज का तमाशा जो खड़ा हो रहा है इस घर में। सही को तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, और आज तो इसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, ऊपर से ये सब, तभी इसे माइग्रेन का दर्द हो रहा है। बेचारी मेरी बच्ची। सही तुम छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेती हूँ। आज सही को खाना नहीं मिलेगा। ये घर है, होटल नहीं, जहां जब इसका मन करेगा तब इसे खाना मिल जाएगा। विराट, तुम ऐसे कैसे सही को खाना खाने से रोक सकते हो? अरे अपने घर में तो हम लोग मेहमान तक को खाना खिलाए बगैर नहीं छोड़ते हैं। ये तो अपनी इस घर की बहू है। आई, रिश्ता ना एक तरफ से निभाया नहीं जाता है। अगर सही खुद को इस घर की बहू मानती तो सभी घर वालों की बात वो मानती, उसका मान रखती। लेकिन इसे मान रखना आता कहाँ है, सिर्फ अपमान करना आता है। लड़ना झगड़ना ये सब आदत बन गई है इसकी। विराट, तुम जोश में आके ऐसा कुछ मत बोलो जिस पर बाद में तुम अमल ना कर सको। तुम मत रोको सही को खाना खाने से, क्योंकि इतना सब तमाशा होने के बाद तुम ही होंगे जो उसे खाना खिला रहे होंगे अपने हाथों से। कहना क्या चाहती हो? सिर्फ यही कि इतनी महाभारत छिड़ने के बाद जब तुम्हें सही को माफ करना ही है तो फिर तुम हम सब का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? माफ कर ही दो ना, खिला दो अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना। आई थाम, आज रुक जाओ। मैंने कहा सही को आज खाना नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे सही को रोक सकते हो बताओ? तो सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है, उसके सर में भी दर्द है। तो आई, ये सब इसे ना उस प्रोफेसर के घर जाने से पहले सोच लेना चाहिए था। दामाद जी, आज तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप सही नहीं कर रहे हैं। मौशी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल सही और मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। मुझे नहीं पता था कि मैंने इस घर को होटल बना के रखा है। अगर ऐसा होता तो इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन इस घर के लोग वो तो 24 घंटे गिद्ध की तरह नजर लगाए रखते हैं। हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि इतने बजे मैं जा रही हूँ, इतने बजे मैं वापस आ जाऊंगी। आजादी नाम की चीज ही नहीं है इस घर में।
आपको प्रॉब्लम है ना मेरे इस घर में खाना खाने से, तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगी। मैं अपने खाने का इंतजाम खुद कर लूंगी। मौशी, पास वाले रेस्टोरेंट से सबके लिए खाना ले आइए। मैं अकेले अपना पेट नहीं भरती, मेरे आबा ने मुझे सिखाया है, जब भी खाओ मिल बांट के खाओ। तुझे क्या हम लोग भिखारी लगते हैं जो तेरा दिया हम खाएंगे? इस घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर खाना नहीं खाएगा, और तेरा मंगवाया तो हरगिज नहीं खाएगा। मैं ऊषा मौशी से बात कर रही हूँ, और अगर आप मुझे घर में खाना नहीं खाने देंगे तो मुझे तो बाहर से मंगाना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना मौसी, खाना ले आइए। आप कहीं नहीं जाएंगे मौसी। मौसी मैंने कहा ना, जाइए। तुम जो ये पैसों की अकड़ दिखा रही हो, तभी सोचा है किसके पैसे? सही, ये पैसे मैंने ही तुम्हें दिए, तो मैं ही कह रहा हूँ कि मेरे दिए हुए पैसे से बाहर का खाना नहीं आएगा। जिसके पैसे हैं वही फैसला करेगा। विराट, बोलने से पहले एक बार तो सोच लो। मस्त मस्त, सही चाहे जितना भी उल्टा सीधा बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब विराट सही बोल रहा है तो तुम कह रही हो, विराट जरा सोच के बोल, कैसी हो तुम? हाँ, अरे इसकी मेहनत की कमाई है, ये कैसे बर्बाद होने देगा? और तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा बेटा जिंदगी भर पुतला बनकर बैठे? ये अपनी बीवी की गलत हरकतों को सहता रहे? कैसी हो तुम? अपने पैसे अपने पास रखिए मिस्टर विराट चव्हाण, और मैं आपको याद दिला दूं, ये पैसे आपने मुझे खुद दिए थे मेरे रोजमर्रा के खर्च के लिए, और वो भी मैंने आपसे उधार के तौर पर लिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उधार देने वाला ये फैसला भी करता है कि उधार लेने वाला वो पैसे कब और कहां खर्च करेगा। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं आपसे ये उधार कभी लेती ही नहीं। ऊषा मौसी, 2 दिन में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे, तब तक हम इस घर में खाना नहीं खाएंगे। For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.